हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं आज टिहरी झील। ये देखिए इस तरीके से ये है, और ये आज पहली बार यहाँ आई। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। आपने सोचा था इतनी बड़ी झील होगी? देखा उस हाथ डोबा चाटी से, बट सामने से नहीं देखा था। सामने से नहीं देखा था इन्होंने। और मैं तो यहाँ आता रहता हूँ दोस्तों। इसने मम्मी को फोन कर दिया। ये देखो टिहरी लेक आ गए हम। टिहरी लेक ये देखो दोस्तों, झील। वहां से इस तरफ दोस्तों बोटिंग के लिए जाते हैं, और इस तरफ कुछ नहीं, ज्यादा गर्मी हो रही है, टहलने के लिए आते हैं। अब यहाँ हम, ये देखो एक बोट यहीं पे आ गई। मोटर बाइक चल रही है, ये देखो दोस्तों। अच्छा बाद में ठीक, अभी तो नहीं चल रही। अरे यार ये देखो कितनी सही बोट है, ये देखो पूरी सोफे साफे लगे हुए हैं उसमें। ना बारिश, आज तो धूप है, उल्टी में नहीं है, यहाँ है धूप। अच्छा, उनके तो बहुत हैवी वाला है दर्द। दोस्तों हम जाने लगे नीचे बोट पे, और ये करेगी अब स्पीड बोट, जैसे कि उन्होंने बताया। स्पीड कौन सी वाली? सामने भी तो नहीं आ रहे। और दोस्तों ये देखो टिहरी लेक में बोटिंग करने का मजा। हेलो, गिर रही है, गिर रही है लक्की पक्की। कहाँ यार ये रोक, बेकार है यार सिस्टम। ऐसे यहाँ घूमते रहो टिकट में हाथ लिए, घटिया सिस्टम है ये। हो सकता है टूरिस्ट ना होने की वजह से ये सब लोग ढीले पड़े हुए। इस वाली पे हम बैठेंगे, इसमें ना, इस वाली पे इतनी चलती चलती है नहीं। ये बहुत तेज चले।
मोड़ काटते हुए बहुत डेंजर लग रही है। दोस्तों इस तरीके से हमने करी वो स्पीड बोटिंग और अब हम जा रहे हैं घर को और जाते जाते क्या बताऊँ, यहाँ पे कुछ फास्ट फूड भी खा लें है? फिर मैदा हमने बंद करा हुआ मैदा तो मैंने छोड़ रखा। तो अब दोस्तों जो है आगे दिखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से वापस चंबो जाने वाले रास्ते पे दो वाटरफॉल है, वो हम आपको इस बार दिखाएंगे दोस्तों ये देखो यहाँ पे शायद ये बोट तैयार हो रही है और ये हाउस बोट मुझे लग रही है। ये जब तैयार हो जाएगी उसके बाद ये शायद पानी में उतर जाएगी, तो शायद से यही है। अगर कुछ और तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, पर मुझे तो लगता है कि ये वही एक हाउस बोट है। ये बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों, मैं पानी में उतरेगी इसमें रहूंगा मैं एक बार। क्या बोलती है तुम? मालदीव से अच्छा ही रुका। और वो है देखो सामने डैम, वो देख कर वो है डैम, इसका नाम है। ये देखो आगे से बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है भाई, ये इतनी सी गाय है और ये देखो इतना बड़ा है। ये देखो दोस्तों हाउस बोट। तो दोस्तों ये रहा झील का किनारा, जिस किनारे हम चल रहे हैं। और एक बचपन की यहाँ से एक और बात है कि हम यहाँ पे भी आया करते थे और वो सामने जाके उधर वहाँ पे बैठते थे और खूब समय बिताते थे। और ये इस एरिया से हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं और आपको मैं दिखाता जाऊंगा ऐसे अलग अलग जगहों को। फिलहाल अब चलते हैं सीधा उन दो झरनों के पास। एक झरना तो वही है जहाँ मैंने पिछला व्लॉग बनाया था नहाते हुए, वो उसी रास्ते में पड़ता है, तो वो झरना मैं आपको दिखाता हूँ। आजकल बरसात की वजह से बहुत तगड़ा हो रखा है, तो चलो दोस्तों सीधा वहीं चलते हैं। दोस्तों ये रहा वो झरना जहाँ मैं अभी परसों ही नहाया था। आज देखो वहाँ कितना मूसलाधार पानी आ रहा है, आज तो वहाँ खड़ा भी नहीं जा सकता जैसे परसों खड़ा हो रखा था। ऊपर पानी के छींटे पड़ रहे हैं मुंह में बहुत तगड़े। देखो यहाँ पे ये भी एक अलग टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, अब यहाँ पे भी बहुत भीड़ होने लग गई। और मैं यहाँ तब से आता आ रहा हूँ जब यहाँ कुछ भी नहीं था। पूरे भीग रहे हैं लोग वहाँ, इतने भयंकर छींटे आ रहे हैं। पूल का क्या हाल है? अरे भाई गीला हो जा रहे हैं वहाँ पे। दोस्तों ये बस दो सेकंड के लिए वहाँ पे गई, थोड़ा सा आगे था और पूरी भीग गई आगे। देखो पूरी भीग गई। अब हम जा रहे हैं दूसरे झरने में, अब आपको वो दिखाते हैं। और ये दोस्तों दूसरा झरना। और दोस्तों दूसरा झरना ये रहा, यहाँ पर भी सैलानियों की भीड़, बहुत ही शानदार लग रहा है। पहले मैं वहाँ पे नहा चुका हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया, कितना बहुत शानदार है। ये तो ऐसे ही उन्होंने बना रखा है पानी वानी भरने के लिए गाड़ियों के लिए, यहाँ से इधर उधर करके। ये देखो दोस्तों बहुत शानदार है,
पर हम वहाँ नहीं जा रहे अब क्योंकि हमें थोड़ा लेट हो रही है और फ़ोन की बैटरी भी कम हो गई, तो अब चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही किसी अगले ब्लॉग में। बाय बाय बाय।